एक जॉक भी सुनाया था, वो मैं आपको सुनाऊंगी तो शायद आपको हंसी आ रही, शायद नहीं पक्का हंसी आएगी, क्योंकि मुझे तो बहुत हंसी आई थी उनके जॉक पे। तो इस क्लास में जो अभी एंड हुई है, इसमें हुआ क्या, हमारे सर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, जो कि उन्होंने एक जॉक भी सुनाया था, वो मैं आपको सुनाऊंगी तो शायद आपको हंसी आ रही, शायद नहीं पक्का हंसी आएगी, क्योंकि मुझे तो बहुत हंसी आई थी उनके जॉक पे। उन्होंने बोला कि एक बंदा और बंदी जाते हैं किसी रेस्टोरेंट पे, और वहाँ पे क्या है कि जो बंदा है ना वो बैठा होता है, और जो उसकी बंदी उसके साथ होती है वो उसको थप्पड़ लगाती है। बंदा उससे पूछता है, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों लगाया? तो वो कहते हैं कि मैं डाइटिंग पे हूँ, तो क्या मैं मेन्यू भी ना देखूं? अब इसका मतलब आपको नहीं समझ आएगा, ये कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस वाला ही जोक है। इसमें ये था कि वो मैरिड है या मतलब रिलेशन में है, और वो फिर भी लड़कियों को देख रहा था, और देन फिर उसने अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को उसने बताया कि मैं बेशक रिलेशन में हूँ तो क्या मैं लड़कियाँ भी ना देखूं? मतलब मैं डाइटिंग पे हूँ, मेन्यू भी ना देखूं? हंसी नहीं भी आई ना तो फिर भी हंस दे। जैसे जैसे हम चल रहे हैं, गर्मी का एहसास वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और हमारी मंजिल करीब आती जा रही है। ये है वज़ीर आगा लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी में जाना है हमने, और इधर लिंकन्स कॉर्नर है। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं वज़ीर आगा लाइब्रेरी, और यहाँ पे है लिंकन्स कॉर्नर जो कि एक प्लेइंग एरिया है। वहाँ पे आप मुख्तलिफ किस्म के मैगजीन्स भी पढ़ सकते हैं, और आप वहाँ पे बैठ के गेम्स भी खेल सकते हैं। ये हमारी किस्मत ख़राब है, ये देखिए हम लिंकन्स कॉर्नर आए हैं, और ये है क्लोज्ड, अंडर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पे हमारे साथ एक हो गया प्रैंक, मतलब कहते हैं ना दिल के एयर में मानसून रह गए, हम यहाँ पे लिंकन्स कॉर्नर आए थे गेम्स खेलने के लिए, तो जो कि हमें नहीं मिली थी, हमने सोचा आ तो गए पंखी की हवा ले लें, तो इसलिए हम आए नहीं गए। तो अब जो है पंखी की हवा हमने ले ली है, फ्रेश फ्रेश फील कर रहे हैं, सो अब हम जाएंगे अपने अपने घरों की तरफ। सो मेरी आज की वीडियो यहीं पर होती है, एंड होप के आप सब तो अच्छी लग रही होगी, और मेरे चैनल पे अगर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि मेरे साथ मेरी फ्रेंड है, और जब आपकी फ्रेंड आपके साथ होते हैं वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है आपके लिए, तो मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपनी वीडियो अच्छी बनाऊँ। सो मेरी वीडियो यहीं पर एंड होती है, मुझे दीजिए इजाज़त, अपने और अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।